मेरा ऐसा है कि मैं ये जो टॉपिक लिखे हैं एक दिन में आधा दिन को कवर करूंगा। विजय बेचारा तंग हो रहा है भाई, कदे पढ़ना कदे खार गेड़ना कदे। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने के बाद अभी मैं घर आ गया वापस, और अभी देखिए अंदर तो पूरा अंधेरा ही है। बाकी अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, और उसके बाद अभी मैं जस्ट नहा के फिर खाना खाऊंगा। सो खाना तो अभी बन ही रहा है, तो जल्दी से मैं अभी नहा के आता हूँ। और वहाँ देखिए पापा जो हमारे भैंस हैं उनको बाहर बांध रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। बुक तो हम कल ले ही आए थे, परसों ले आए थे, और आज जो भी है सीईटी का सेकंड पेपर होगा और जो ग्रुप डी का सीईटी होगा उसके लिए प्रिपरेशन अभी शुरू करने वाले हैं। बोला खेल रहा है, के कर रहा, हो यो चाह खिंडी की ये भी कह रही सफाई कर आपो अपो सफाई से बड़ा मुंडा। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसमें, वो जो कमरा है ना उसमें, वो विजय का घर है ये, ठीक है। वो टिंग 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 टिंग। सो आज गए मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो बुक मैंने पढ़नी है वो अभी मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि घर पे ये भी पढ़ने वाला हूँ। और ये जो बैग है कल परसों हम लाइब्रेरी से लेके आए थे। हरियाणा जी के है, मैथ है, और कुछ बुक ये रखी है इंग्लिश वगैरह की, या जो मेरे नोट्स हैं उनकी। और आज ना एक मैंने वो शुरुआत की है कि टेलीग्राम पे, मतलब जैसे मैं डेली ऐसे पेज पे लिख के मेरा जो शेड्यूल रहेगा पूरे दिन का वो डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे आपको कि मतलब जिस टाइम मैं मैथ कर रहा हूँ आप उस टाइम कुछ और कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं ये जो टॉपिक लिखे हैं एक दिन में आधा दिन को कवर करूंगा। सो आज मैं सबसे पहले करने वाला हूँ हरियाणा जीके का थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में करूंगा। और ये तो थोड़ी बुक मतलब पुरानी हो चुकी है, लेटेस्ट इसका जो एडिशन है वो आ चुका है, उसको मैं लेके आऊँ कुछ दिन बाद, ठीक है। अदरवाइज इसे थ्योरी पढ़ देते हैं, और इसको एमसीक्यू है जो बाद में दिए हैं वो भी मैं रिवीजन कर। सबसे पहले भी मैं कर रहा हूँ हरियाणा जीके का चैप्टर नंबर 3। पहले 2 चैप्टर में कल कर चुका हूँ। और आज जो भौगोलिक परिदृश्य है, मतलब कि कौन सा मैदानी इलाका है, रेतीला है या पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये सब इसमें होने वाला है। और हरियाणा जीके के बाद फिर मैंने उठाई जो ल्यूसेंट की बुक है जीएस के लिए, तो इसकी भी मैंने आज शुरुआत करी है। पहले 7 पेज आज मैं पढ़ने वाला हूँ इसके ल्यूसेंट के, और जो भी इम्पोर्टेंट होगा, वैसे तो मैंने कॉपी में लिख रखा है पहले ही, लेकिन फिर भी कॉपी में और कॉपी लेके साथ में ल्यूसेंट की बुक दोनों को साथ में लेकर चलूँगा। वैसे तो जीएस का पोर्शन काफ़ी लंबा है, और हमें पता भी नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से एग्ज़ाम में आएंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन ज़रूरी है। जो कुछ हमारे पास अवेलेबल है उसको तो एटलीस्ट हम याद ही कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। भी 2 सब्जेक्ट मैंने किए हैं, हरियाणा जी के और इंडिया जी के। अब जाना खेत में विजय के साथ, क्योंकि विजय को अपने खेत में मतलब गेहूं में खार डालना है, तो वहां जाके उसके बाद नहा के उसके बाद फिर कंटिन्यू मैं करूंगा। तो जुड़े रही एंड तक और देखते रहिए पूरा स्टडी ब्लॉक को। यहाँ मैंने अपना ये गर्म पानी रख दिया है, तब जब तक खेत से आऊँगा ना तो ये गर्म हो जाएगा, फिर अपना नहा लेंगे आके। उसमें गेहूँ में खार डालना है तो डाल रहा है पीछे। ये भी क्या करागा, हो गया अगली बार की खार तो गेट दे ऊपर डायरेक्ट कट्टा में। बस है आधा कट्टा करना है, बाकी लिया देंगे। अच्छा, विजय बेचारा तंग हो रहा है भाई, कदे पलना कदे खार गेड़ना कदे बरसीन ले आनी। और रहने दे बेड़ ने के रेस्ती हूं ले जूंगा उधर के पाछे और हूं पकड़ना पकड़ना मना योर केस में इसमें गल दे कट्टा दूसरा फैल दिया। चल भी
सुबह भी आके नहा लिए, अब थोड़ी देर धूप में बैठता हूँ। सो अभी टाइम होने वाला है लगभग 2:30 बजने वाले हैं, और अभी मैं सोच रहा हूँ मैथ करने की। तो मैथ का आपको पता ही है कि मेरे पास कौन सी बुक है, आर एस अग्रवाल की है। इसमें से आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। तो चैप्टर हालांकि इजी है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें होते हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो उन्हीं की प्रैक्टिस में करने वाला हूँ अभी। तो कई बार ऐसे बैठे बैठे थकान सी हो जाती है, और आज तो मैं बेड पे बैठा हूँ, हालांकि खाट पे ही मैं पढ़ता हूँ। तो तभी मैं सोच रहा था एक टेबल और चेयर लाने की, लेकिन शायद अभी यूट्यूब की पेमेंट आने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। आई होप इस महीने के एंड तक आ जाए, उसके बाद फिर टेबल लगा के सही से पढ़ा करेंगे। और अभी जो मेरा एक और जो टारगेट है वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिविज़न करना। इस कॉपी पे मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं, पहले मॉक टेस्ट लगाए हैं, उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मुझे नहीं आए वो क्वेश्चन इस कॉपी में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उनका रिवीजन अभी मैं करने वाला हूँ, हालांकि थोड़ा सा ही किया अभी, तो उसको बाद में देखेंगे। दिसंबर, और आज मैंने अभी तक मतलब HCF और LCM ये टॉपिक भी कर लिया, और मेरा GS का हिस्ट्री का पोर्शन हो गया, और हरियाणा GK हो गई। अब रहता है बस इंग्लिश में टेंस, और एक ये रहता है मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करना। इसके अलावा रात को मैं टेस्ट दूंगा फिर। सुबह मैथ भी मेरा हो गया और हरियाणा GK कर लिया, अभी इंग्लिश रहता है बस, और रात को टेस्ट देना है। सो इंग्लिश में यार बस मुझे आज टेंस का रिविजन करना है, वैसे तो आते हैं, बस देख लेते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है या कुछ और जो वर्ब की फॉर्म है वो कैसे यूज होती हैं। बुक तो आप जानते हैं कि मेरे पास ये है, क्या है इसका, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है। इसमें से मैं भी टेंस करूँगा, हालांकि जल्दी हो जाएंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी टाइम देना पड़ेगा। चाह कर लियो, हो रहा टाइम सा का, ले इसमें चीर ले। तो अभी 4 बज रहे हैं और मैं भी सो रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट करूँगा यार, नींद आ रही है मुझे तो अभी। मेरे ऊपर बैठ जा, इसके ऊपर बैठ जा, पढ़ने की है यार, पढ़ने करें यहाँ पे। और दोनों भाई बहन ऊपर पढ़ लियो, ऊपर नहीं बैठा हो, नीचे बैठ जा उसका। हाँ उरे बैठे, उरे पढ़ लियो। पिटी में काम कर दूँगा। मस्ते भाई मस्ते, स्कूल में काम करा तू, कर ले भी सारा। मैं कल काम करेगा, मैं ना और क्रिकेट लगा चाहिए। अच्छा सारा वेरी गुड दिया मैडम ने, किसका तिरता है अर्दी दे दी तुम दिया दीदी। आप तो भाई आ गए गोला, स्कूल में से आ गए गोला, दे बैठा गोला, गोला भी आ गया स्कूल में से। काम लग रहा है अपना स्कूल का, ये स्कूल का काम लग रहे हैं करना सारे। देखो कई बार हम यहाँ शाम को वैसे घूमने जाते हैं, ये गांव का सबसे मतलब यहाँ ज़्यादा हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल भी हैं, और पीछे जो ग्राउंड है आपने देखा ही होगा वो भी है। और अभी बस थोड़ी देर में घर चले जाएंगे। यू विजय है, आज शादी में जाएगा रात ने, जब इतना चमक रहा। अभी मतलब पूरा आज का जो मेरा टारगेट था पढ़ने का वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, बस एक टेस्ट रहता है वो मैं करूँगा रात को। सो
बाकी अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो क्योंकि अभी कुछ है नहीं दिखाने को खास इतना, और बाकी अभी शाम होने वाली है और फिर खाना खा के फिर मैं टेस्ट देना शुरू करूँगा, और जो टेस्ट दूंगा वो भी टेलीग्राम पे आपको मैं बता दूंगा कि आज टेस्ट कौन सा दे रहा हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।